Hello everyone, welcome back to our channel. आज हम इस वीडियो में कुछ अलग सा लेकिन बहुत ही इजी डीआईवाई करेंगे जो देखने में ट्रेंडी है लेकिन इसकी कटिंग और स्टिचिंग पार्ट बहुत ही आसान है। और इसके लिए मेजरमेंट्स कुछ इस तरह लेना है। आपको शोल्डर विड्थ का मेजरमेंट नोट करना होगा, राइट शोल्डर से हिप लेंथ तक का मेजरमेंट और राइट शोल्डर से लेफ्ट आर्मपिट और लेफ्ट आर्मपिट से नी लेंथ का मेजरमेंट आपको नोट करना है। और जैसे स्क्रीन पर मैंने लिखा है उसी तरह लिखना है। शोल्डर विड आपने जितना भी लिया है दोनों तरफ वन इंच सीम अलावेंस दोनों तरफ हाफ हाफ इंच सीम अलावेंस ले रही हूँ। यहाँ पर मैं शोल्डर टू हिप लेंथ 22 इंच प्लस वन इंच सीम अलावेंस होगा, राइट शोल्डर टू लेफ्ट आर्मपिट लेंथ 11 इंच और हाफ इंच सीम अलावेंस और लेफ्ट आर्मपिट से नी लेंथ 22.5 इंच। नेक्स्ट गाइस, आपको जो फैब्रिक लेना है उसका विड्थ आपको डबल दी शोल्डर टू हिप लेंथ लेना है। शोल्डर से हिप लेंथ जो हम लोगों ने मेजर किया है उसका डबल मेजरमेंट या कुछ एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं। इसको हम फोल्ड करेंगे जो कि लेफ्ट साइड फोल्डेड हिस्सा है और राइट साइड ओपन हिस्सा। अब हम फैब्रिक को कुछ इस तरह रखेंगे कि पॉइंटेड साइड आपको ऊपर आ जाएगा और फोल्डेड नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ ओपन हिस्सा है। जो ऊपर की तरफ कॉर्नर है वहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल जो स्मॉल लाइन मैंने कॉर्नर की तरफ खींची है वो शोल्डर मेजरमेंट है जो कि 3.5 इंच का है। और लेफ्ट साइड पे राइट शोल्डर से हिप लेंथ का मेजरमेंट आपको मार्क करना है क्योंकि हम इसी मेजरमेंट से लिया था। राइट शोल्डर से हिप लेंथ का डबल मेजरमेंट हमने लिया था और मैंने कहा था कि कुछ एक्स्ट्रा लेना है। कुछ एक्स्ट्रा मतलब एक 4 या 5 इंच आपको एक्स्ट्रा रखनी है क्योंकि शोल्डर के लिए वो ट्राइंगुलर पार्ट कट होके जाएगा। और राइट साइड पर आपको राइट शोल्डर से लेफ्ट आर्मपिट का मेजरमेंट मार्क करना है और उसके नीचे आर्मपिट टू नी लेंथ का मेजरमेंट मार्क करना है। तो गाइस, यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक लिया है वो मेजरमेंट के हिसाब से लिया है, जिसका लेंथ और ब्रेथ जैसे मैंने मेजरमेंट लेना है उसी तरह लिया है। और यहाँ पर मैंने फोल्ड कर दिया है जो कि लेफ्ट साइड राइट साइड का जो हिस्सा है फोल्डेड हिस्सा है यहाँ पर और लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है ओपन हिस्सा है। अब हम शोल्डर मार्किंग देंगे। शोल्डर के लिए मैंने शोल्डर ब्रेथ के लिए 2.5 इंच 1 इंच सीम अलावेंस 3.5 इंच लिया है। इसी तरह आपको कॉर्नर पे शोल्डर मार्किंग करनी है 3 इंचेस। अब हम इस शोल्डर को शोल्डर ट्राइंगल जो फॉर्म हुआ है इसको काट देंगे। नेक्स्ट राइट साइड का जो हिस्सा है शोल्डर टू हिप लेंथ है और लेफ्ट साइड में जो मैं मार्किंग करूँगी वो शोल्डर टू आर्मपिट लेंथ होगा और आर्मपिट टू बॉटम लेंथ होगा। तो यहाँ पे मैंने 11.5 इंच मार्क किया है जो शोल्डर टू आर्मपिट लेंथ है और नीचे का जो हिस्सा है वो आर्मपिट टू बॉटम जो मैंने ऑलरेडी मार्क करके कट किया है। अब हम शोल्डर से आर्मपिट और आर्मपिट टू बॉटम जितना भी लेंथ है वहाँ पे लेस लगाएंगे। तो मैं इस लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको 1 इंच छोड़ना है आगे की तरफ फोल्डिंग के लिए, लेकिन अगर आप स्ट्रेचेबल फैब्रिक या कोई भी नेट फैब्रिक इस्तेमाल करें तो सिर्फ आप हाफ इंच का सीम अलावेंस छोड़े फोल्डिंग के लिए या आप बोल सकते हैं हेमिंग के लिए। तो यहाँ पे हेम देने के लिए मैंने सिर्फ हाफ इंच सीम अलावेंस छोड़ के लेस को स्टिच करूँगी। गाइस, लेस को आप बॉटम तक स्टिच कर लें। अब मैं इसके ऊपर और एक लेस स्टिच करूँगी। ये गोल्डन कलर की लेस है और इसके ऊपर मैं कॉन्ट्रास्ट कलर जो कि लाइट पिंक कलर की लेस है इसके सेंटर पे फिक्स कर लूँगी। गाइस, अगर आप लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए जैसे ही मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं। तो इस तरह मैं इस लेस को सेंटर पे स्टिच करूंगी। गाइस, मेरे इस चैनल पे मर्मेड गाउन का ड्राफ्टिंग मैंने बताया है और इसका स्टिचिंग पार्ट भी बताया है जो मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूवर्स जो भी लोग हैं उन्होंने बहुत पसंद किया है। और मुझे बार बार रिक्वेस्ट आता है कि इसको एडल्ट साइज़ में बताएं क्योंकि मैंने अपनी बेटी का
स्टिच किया था और किड साइज मैंने शो किया था। तो इंशाल्लाह मैं आगे उसका मरमेड गाउन का ट्यूटोरियल दूंगी, इसलिए आप सब्सक्राइब करके कनेक्ट में रहें। तो गाइस स्टिच करने के बाद कुछ ये इस तरह ब्यूटीफुल सा लग रहा है। नेक्स्ट आपको क्या करना है वो अब मैं बताऊंगी। तो ये रेक्टेंगुलर पीस है, दोनों तरफ इसी तरह मैंने स्टिच कर लिया है लेसेस को, जो कि आगे और पीछे की तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे राइट साइड टुगेदर। यह आपको जो दिख रहा है ये रॉन्ग साइड है। अब आपको राइट कॉर्नर पे जो हम लोगों ने शोल्डर कट किया है यहाँ पे हाफ इंच स्टिच करना है। हाफ इंच स्टिच करने के बाद आप डबल स्टिच दें और राइट साइड पे आर्म होल आएगा। आर्म होल बच्चों के लिए 5.5 to 6 inches हम कंसिडर करेंगे और एडल्ट साइज़ के लिए 7.5 to 8 inches, क्योंकि ये जैकेट है इसके अंदर इनर आएगा, इसलिए आप थोड़ा लूज ही रखें। अब शोल्डर्स हम लोगों ने जॉइंट कर लिया है। नेक्स्ट मैं आपको आर्म होल की मार्किंग करना बताऊँगी। आपको आर्म होल की मार्किंग राइट साइड पर लगानी है गाइस। तो यहाँ पे मैं 6 inch की मार्किंग लगाऊंगी और जहाँ पे 6 inch मार्क किया है उतना साइड आपको ओपन रखना है और उसके नीचे की तरफ आपको जॉइंट करना है। यहाँ से नीचे तक हम लोग स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमको शोल्डर से आर्मपिट लेंथ मार्क करना है, जो कि 11 inch हम लोगों ने रखा था। हाफ इंच ऑलरेडी स्टिच हो गया है ऊपर की तरफ, तो 11 inch पर मार्क करेंगे और यहाँ से नीचे तक जॉइंट करना होगा। इस दोनों तरफ हम जॉइंट करेंगे। जॉइंट करते वक्त आप लेसेस को बराबर से साथ में रखें ताकि लेसेस बराबर से जुड़ के आ जाएं, स्पेस न ज़्यादा स्पेस न रहे। गाइस आप एंड तक इसी तरह सी लें। अगर आपको लग रहा है कि मेरे इस चैनल में आपको कुछ अलग सा फैशनेबल मिलेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मेरे इस चैनल का लिंक शेयर करें ताकि वो भी हमारे इस वीडियोस का हिस्सा बन सके। स्टिच होने के बाद ये कुछ इस तरह है, रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है जो कि एक साइड में ड्रेप्स। इसका इनर पिंक कलर का गाउन होगा जो कि स्टिच होने के बाद इसका पिक्चर मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूंगी। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप मुझे उस पर फॉलो करें और पिक्चर को देखें। और जहां पर भी हम लोगों ने इस तरह से सीम्स छोड़ा है अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लें और आर्म होल पर भी इसी तरह करें। आप क्रॉस स्ट्रिप की मदद से भी इसको कंसील कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट आर्मपिट की जगह पे जहाँ पर ठहराव आएगा यहाँ पर थोड़ा सा फोल्ड करके, जैसे वीडियो में बताया जा रहा है, इसको इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करके स्टिच लगा ले तो ये बराबर से बैठकर आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट ज़रूर करें और पसंद आ गया है तो लाइक करें और शेयर करें। और यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।